ये क्या बात हुई? अरे मुझे क्या पता था अम्मा इतना सब कुछ सोचे बैठी हैं। तो अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। और ये जो अम्मा ने इतनी लंबी लिस्ट लिखवाई है मुमानी को, उससे तो ऐसा लगता है इस साल के अगले साल भी हमारी शादी नहीं हो सकती। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। अनु तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूं। होना क्या है, बस अब अनु की शादी करनी है। रुखसाना ने तो अपनी लंबी चौड़ी प्लानिंग बता दी है। उससे तो साफ जाहिर है ना उसके घर के मामला तय होने, ना वो तारीख लेने आएगी। अगर हम सब कुछ खुद ही अरेंज कर लें तो? मेरा मतलब है कि आपकी तो इतनी जान पहचान होगी ना मार्केट में, आप बात करके सारे प्रोसेसेस खुद ही जल्द से जल्द करवा दें। इस सब की बजाय बेहतर होगा कि अनिला को तुम लोग शादी के तोहफे में घर दे दो। तुम तीनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो हक बनता है ना बेटा उसका। जी माँ, जैसा आप कहें, मैं कल ही फराज से डिस्कस करता हूँ। बस बेटा, इस काम को जल्द से जल्द करो। मैं अनु को अपने घर का होता हुआ देखना चाहती हूँ। जी माँ। माँ, कल फराज ने हमें डिनर पे बुलाया है, अगर आपको एतराज ना हो तो हम चले जाएं। हाँ ठीक है,